आज दिन है शनिवार और मैं अभी अपना पूजा पाठ सब शेष कर चुकी हूँ और नाश्ता भी करने जा रही हूँ। दिखाऊंगी क्या नाश्ता मैं करती हूँ। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, चोखा, चटनी, पापड़ और घी। खिचड़ी के तो ये चार दोस्त रहते ही हैं, चार नहीं पाँच। हाँ, तो मैं आज यही करने वाली हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर ही करें, ठीक है। तो मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। तक ये है मेरा नाश्ता। तो ये मैं पटल को जला रही हूँ और इधर खिचड़ी भी बैठा दी हूँ। एक तरफ खिचड़ी हो रहा है, एक तरफ पटल भी हो रहा है। और ये बैंगन भरता आज करने वाली हूँ, तो बैंगन भरता के लिए लहसुन और हरा मिर्ची भी उसको क्या बोलते हैं कूट कर रख ली हूँ, कूट कर रख ली हूँ। और बैंगन का चोखा भी बनाऊँगी। और उधर वो बोलते हैं कि शनिवार के दिन पटल भी जलाना चाहिए, बैंगन भी जलाना चाहिए, तो दोनों ही जला दे रही हूँ। उनको पटल पसंद है और बैंगन भी अच्छा लगता है, तो सप्ताह में एक बार कर ही देती हूँ। तो इधर बैंगन छील कर बस इसको भी चेक कर लूँगी कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। ऐसे तो दुकान वाला से बोलकर ही मंगाई थी कि बोल देना कि एक भी इसमें अंदर कुछ भी ना रहे, वैसा ही दे। तो ऐसा ही मैं मंगाई हूँ कि इसके अंदर कुछ ना हो, फिर भी अंदर में तो कोई रहता नहीं है, इसलिए उसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी तो सभी को वैसे बनाना आता है, तो इसलिए मैं खिचड़ी की पूरी रेसिपी नहीं दिखाई। जो नॉर्मल खिचड़ी होता है बस मैं वही नॉर्मल खिचड़ी बनाई हूँ। जो स्पेशल खिचड़ी होता है भोग का, तो आज मैं वैसा खिचड़ी नहीं बनाई, गोविंदो भोग चावल का नहीं बनाई हूँ। तो बस आज मैं यही करने वाली हूँ। तो ऐसे मैं इसे चेक कर रही हूँ कि इसके अंदर कुछ है नहीं, ऐसे कुछ इसमें निकला नहीं, तो बस इसे ऐसे ही अच्छा से मैश कर दूँगी। मैश करने के बाद इसमें कच्चा तेल बोले तो सरसों तेल और नमक और ये लहसुन और हरी मिर्ची कूट कर जो रखी हूँ, तो उसी को मिक्स करके अच्छा से इसका एक चोखा बना दूँगी ताकि हो जाए उनका भी चोखा। और ये खिचड़ी मेरा होने ही वाला है। इसमें मैं और टमाटर और थोड़ा सा मसाला ऐड की हूँ, तो खिचड़ी अच्छा लगता है ऐसे खाने में। और इसको मैं सिर्फ जीरा से ही छौंक दूँगी और इसमें कुछ नहीं डालूँगी, और थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के डाल दूँगी। अरे नॉर्मल प्लेन खिचड़ी ही करने वाली हूँ, सॉरी थोड़ा सा बीच में खांसी आ गया था इसके लिए, तो मैं आज ही करने वाली हूँ। इधर खिचड़ी मेरा रेडी हो गया और किचन में मेरा वॉशिंग मशीन है, तो मैं इधर भी कपड़ा भी धो रही थी, तो कपड़ा मेरा धुल चुका है। बस इसे ड्रायर में डालकर इसका पानी निचोड़ लूँगी। तो मेरा कपड़ा भी इधर धुल गया है क्योंकि मेरा चादर वादर सब भी भारी भारी सब कपड़ा था, तो ये सब भी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो हटा दूँगी। और आज दिन भी थोड़ा अच्छा नहीं किया, सारा दिन मतलब थोड़ा थोड़ा करके बारिश हुआ है, तो उसमें कपड़ा ड्राई करके डालूँगी तो जल्दी से कपड़ा सूख जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। हाथ से धोकर सुखाने में तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं इधर कपड़ा भी ड्राई कर रही हूँ, ड्राई करके फिर मैं चली जाऊँगी इसे कपड़ा डालने के लिए।
के दिनों में मेरा कपड़ा बालकनी में ही सूख जाता है, छत पे नहीं जाना पड़ता है। दो तीन लाइन मैं तार यहीं पे उनको बोली हूँ बांध देने के लिए, तो मैं टोटल कपड़ा यहीं पे डाल देती हूँ और यहीं पे मेरा टोटल कपड़ा सूख जाता है। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग शेष हो रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा पसंद आ रहा है ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।